इंसानों की अजीम अक्सरियत कैसी कैसी मुश्किलात के साथ दोचार होती है। अजीम अक्सरियत वो है कि जो कमर तोड़ देने वाली मुशक्कत करने के बावजूद दो वक्त पेट भरकर खाना नहीं खा सकती, जिनके बच्चों को इलाज की सहूलत में असर नहीं, मुशक्कत मेहनत तकलीफ, न सिर्फ मेहनत और मुशक्कत, मेहनत और मुशक्कत के एतबार से तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान भी लद्दू ऊंट के मानिंद है या कोनू के बैल के मानिंद है, लेकिन हैवान और इंसान में इस एतबार से बड़ा फर्क है। इंसान में एहसासात, रंज, गम, सदमा, किसी जानवर का बच्चा जब जवान हो गया उसके बाद वो जाने उसकी जिंदगी अलहदा है, वालदेन की अलहदा है, वालदेन भी पता नहीं कोई उनका जोड़ा है कि नहीं मुस्तकिल। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जिस औलाद को पाला पोसा, जिन्हें अपने जिगर के टुकड़ा समझकर और अपना पेट काट कर जिनको पाला है, अगर वही बेटा जवान होकर सीना तान कर बात करता है, या जैसा कि आप सुनते हैं बाप पर हाथ उठा लिया है, माँ को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, जो सदमा उस वक्त इंसान को होता है क्या किसी हैवान को होता है? ये सदमात, ये रंजो गम, कुरान मजीद में एक पूरी सूरह मुबारक है इसी पर, जिसका मरकजी मजमून यही है, लाउक्सिमु बिहादल बलद वअंत हिल्लुम बिहादल बलद ووالدي وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد। मैं जो इब्तदाई कस्में हैं उनको इस वक्त तशरीह नहीं करूंगा, इसलिए कि वो हमारा इस वक्त का मौजू नहीं है। जिस चीज पर कस्में खाई अल्लाह ने तीन, लाउ से मुबिहादल बलद वांत हिल्लु बिहादल बलद ووالدي وما ولد, तीन कस्में खाकर बात क्या कही, हमने इंसान को मेहनत और मुशक्कत ही में पैदा किया। मेहनत और मुशक्कत हर इंसान का मुकद्दर है। आमतौर पर समझा यह जाता है कि गरीब लोगों के लिए ये मामला है, नहीं, असल में मेहनत और मुशक्कत की शक्लें मुख्तलिफ हैं। कोई शख्स दफ्तर में बैठा हुआ मुशक्कत कर रहा है, किसी की जहनी मुशक्कत ज्यादा है, किसी की जिस्मानी मुशक्कत ज्यादा है। ये जिस्मानी मुशक्कत वाला जो है थक हार कर रात को सोता है तो सुबह की खबर लाएगा, वो पूरी तरह टांगे फैलाकर सोता है। और ये जो ज़हनी मुशक्कत करने वाले हैं, लंबी लंबी कारों में चलने वाले और बड़े बड़े महलों में रहने वाले, एयर कंडीशन ऑफिस और बंगलों में रहने वाले, इनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। इनको जो मसाइल दरपेश होते हैं, इन्हें जो सदमे होते हैं, इन्हें जो फ्रस्ट्रेशन होती हैं, ये नुकसान हो गया है, ये मामला हो गया है, फला ने ये कर दिया है, फला प्रॉब्लम पैदा हो गया है, ये सारी चीजें जो है ये उस गरीब मजदूर के लिए नहीं होती। आपको मालूम है हिप्नोटिक्स की जरूरत जो है इन्हीं उमरा को होती है, सेडेटिव्स की जरूरत इन्हीं को होती है, ट्रैंक्विलाइजर्स इन्हीं को चाहिए, इन्हें नरम गदेलों के ऊपर नींद नहीं आती। तो मुशक्कत और मेहनत हर एक के लिए, सदमा, गालिब ने बहुत खूब कहा था, कैद हयात और बंद गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, ये इंसान का मुकद्दर है, ये तो होकर रहने वाली शय है। गम तो रहेगा, सदमा रहेगा। आपको शायद याद आया हो एक बड़ी अजीम हस्ती गुजरी है इंसानी तारीख में, गौतम बुद्ध, कपल वस्तु का शहजादा, एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ 30 बरस की उम्र उसने मुशाहदा किया लोगों को, लोग दुखों में हैं, लोगों के लिए मुसीबतें हैं, लोगों के लिए तकलीफें हैं। एक अंधा आदमी देखा उसने चलता हुआ, जो ठोकर खा के गिरा उसके निगाहों के सामने, उसने सोचा ये क्या हो रहा है, क्यों है ये अंधा, क्यों है, किसी को अंधा पैदा कर दिया जाता है, पैदाइशी अंधा, किसी वालदेन के सामने उसको बच्चा जो है दम तोड़ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, जा रहा है तुम्हारे हाथों में से, निकल रहा है, जा रहा है। कुरान मजीद में भी सूरह वाकिया में कसम खाई गई है, फलौला इनकुन तुम गैरा मदीनीन तरजिउनहा इनकुन तुम सादिकीन, वापस ले सकते हो तो ले लो, मौत के पंजे से छुड़ा लो अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है, नहीं जा रहा है, रो रहे। यही वजह है कि फिर वो इस फिक्र में, ये दुख क्यों है इंसान का मुकद्दर, उसका सबब तलाश करने के लिए, फिर उससे निकलने का रास्ता क्या है।
इससे निजात कैसे होगी, निर्वाण कैसे मिलेगा। फिर आपको मालूम है 30 बरस की उम्र में जवानी का दौर, जवान बीवी को रात को सोते हुए छोड़कर गया है, शीरखार बच्चा छोड़कर गया, महल छोड़कर जाकर खाक छानी है, कहां कहां फिरा है, किन किन ऋषियों मुनियों की खिदमतें की हैं, कहां कहां गया है, कितना वक्त लगाया है, किन किन जंगलात जो है उसके खाक छानी है उसने। बहरहाल उसे क्या मिला क्या नहीं मिला ये मैं इससे बहस नहीं करता, इसलिए कि जाहिर बात है कि वह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से भी कबल की शख्सियत है और अक्सर लोगों की तालीमात बिगड़ गई हैं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात अगर कुरान मजीद हमें न बताए तो हमें कैसे मालूम हो कि उनकी असल तालीम क्या थी। ईसाई जिस मसीह को मानने वाले हैं उस मसीह को तो हम नहीं मानते, अल्लाह का बेटा तो हम नहीं मानते, लेकिन अगर कुरान मजीद वाजे न करता तो हमें कैसे मालूम होगा। इसी तरह गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ कहते हैं उनके मानने वाले उसकी तरफ ना जाइए, वो क्या था हकीकत में हम नहीं जान सकते, लेकिन ये जरूर है कि उसके फलसफे का जो मेन थीम है सर्वम दुखम, ऑल इज पेन, ऑल इज सफरिंग, ऑल इज एगनी, सर्वम दुखम, दर्द ही दर्द है, रंज ही रंज है, गम ही गम है, कैद हयात तो बंद गम, असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। लेकिन इस एतबार से अगर आप गौर करेंगे तो चलिए इंसान हैवानात की सफ में आ गया बस, लेकिन नहीं, इंसान की ह्यूमन ट्रेजेडी का नुक्ता उरूज बिल्कुल एक और है, मरने के बाद फिर उठाया जाएगा, फिर जवाब तलबी होगी क्या करते रहे जिंदगी भर, तुमने हकीकत को पहचानने की कोशिश की, तुमने हक पर चलने की कोशिश की, या तुमने जुल्म किए, ज्यादतियां की, नाइंसाफियां की, आओ हिसाब दो। हैवान से ये मुहासबा नहीं है, नबातात और हैवानात इससे बड़ी इंसान है। इस पर भी एक सूरत है कुरान मजीद की, सूरतुल इंशिकाक, या अय्युह अल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तेरा मामला ये है तू मुशक्कत पर मुशक्कत झेल कर, तकलीफें पर तकलीफें बर्दाश्त करके फिर एक दिन अपने परवरदिगार के हुजूर में हाजिर होगा जवाबदेही के लिए। सुम्मा तुहसबुन्ना बिमा तअमलून, हुजूर की एक खुतबे में जो अल्फाज आते हैं, वल्लाहि लतमूतुन्ना कमा तनामून, खुदा की कसम तुम सब मरोगे जैसे कि हर रोज शाम को सो जाते हो रात को सो जाते हो, ये नींद भी मौत की बहन है। सुम्मा लतुबअसुन्ना कमा तस्तयकिज़ून, लेकिन फिर जैसे रोजाना सुबह बेदार होते हो ऐसे ही एक सुबह कयामत आएगी कि सब उठा लिए जाओ। सुम्मा लतुहसबुन्ना बिमा तअमलून, फिर तुम्हारा मुहासबा होगा, दैट ग्रैंड अकाउंटेबिलिटी, वो मसूलियत अजीम, पूरी जिंदगी का हिसाब, छोटी सी छोटी बातें, वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रे की हम वजन नेकी होगी वो भी सामने पाओगे और जर्रे की हम वजन बदी होगी वो भी सामने पाओगे। इंसान चीख उठेगा माल हाजल किताब या अमाल नामा कैसा है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो न छोटी चीजें छोड़ी है न बड़ी चीजें छोड़ी है, तमाम का इहाता कर लिया है, वो मुहासबा होगा और उसके बाद जजा और सजा के फैसले होंगे,